हेलो व्यूअर्स, सुनते ही होंगे यह लड़की सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोरा फतेह के बारे में। आज हम नोरा के जिंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 में कनाडा के एक शहर टोरंटो में हुआ। उनकी फैमिली मोरक्को से थी। उनकी माँ भारत की मूल निवासी हैं। नोरा की पढ़ाई टोरंटो के वेस्ट स्कूल सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। वह पढ़ाई में भी हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही है। वह हमेशा से ही बॉलीवुड फिल्म देखती थी। उसी से उसके मन में एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागी। नोरा ने जब एक्ट्रेस बनने की चाह अपने घर वाले के साथ रखी तो उनकी माँ उन्हें मना कर दी। उनकी माँ कहती थी कि मेरे घर में औरतों को डांस करने के लिए मना है। कुछ दिनों बाद वह फिर अपनी चाह अपने माँ के पास रखी, फिर मना कर दी उसकी माँ ने। फिर वह अपनी चाह किसी से नहीं कही। जब घर में सब सो जाते थे या कहीं बाहर चले जाते थे तब वह डांस की प्रैक्टिस करती थी। टीवी में देख कर प्रैक्टिस बहुत दिनों तक की। जब वह हाई स्कूल में गई तो वहाँ एक दिन डांस पार्टिसिपेशन हुआ जिसमें नोरा ने हिस्सा लिया। और उस डांस शो में जब नोरा ने डांस की तो वहाँ बैठे सभी लोगों ने उसकी डांस देखकर नोरा को प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत तारीफ किया। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त उनको मजाक उड़ाया करते थे उसके डांस के लिए, वह भी नोरा को बहुत तारीफ कर रही। जब उनके पेरेंट्स आपस में लड़ाई हो गई तो उनका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के बाद नोरा के कंधों पर अपनी भाई की और फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ साथ वह मॉडलिंग भी कर रही थी। साथ ही वह फोटो शूट तरह तरह कर रही थी। इंडिया के कई मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में वह अप्लाई की। एक कंपनी को नोरा की इंडियन लुक बहुत पसंद आया। उस एजेंसी ने नोरा को हायर कर लिया। और यह बात साल 2012 की है जब नोरा पहली बार मुंबई आई थी। लेकिन नोरा के साथ धोखा हुआ। कल एक कंपनी में एक विज्ञापन करनी थी जिसमें उसे 20 लाख रुपए दी जानी थी, पर उसे एक रुपया तक नहीं मिल पाई। नोरा ने फिल्म में ऑडिशन देने लगी। उन्हें ऑडिशन देने में काफ़ी कठिनाइयां हुई क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी, पर वह हार नहीं मानी। वह रात दिन हिंदी सुधारने में लगा दी और आखिरकार वह हिंदी सुधार ली। नोरा ने पहला सीन द टाइगर ऑफ सुंदरवन में मिली, पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर वह साउथ में ऑडिशन देने लगी। पहला सीन डांस सॉन्ग टेंपर मूवी में किया। यह डांस पसंद किया गया। फिर उसे बाहुबली में मनोहरी पर किया गया डांस कि वह हिट हुआ। फिर उसे इतनी पहचान मिल गई कि उसे रियलिटी 50 में इनवाइट किया गया। फिर उसे इतनी पहचान मिल गई कि उसे बिग बॉस शो में इनवाइट किया गया। और उस शो ने नोरा को जिंदगी ही पलट दी। नोरा को फिर दिल दी लगे सोनिया सॉन्ग में काम करने को मौका मिला। यह लोगों ने सॉन्ग काफ़ी पसंद किया। फिर सतमेव जयते में दिलबर में काम किया। यह भी सॉन्ग लोगों ने बहुत काफ़ी पसंद किया। इससे नोरा को अलग पहचान मिल गई। अभी वह सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपको कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को दबा दें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।